अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज जो वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स से रिलेटेड है और सेकेंड ईयर फिजिक्स में कराची बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों के लिहाज से इक्वली इंपॉर्टेंट है आज का ये लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, हम लोग साइंटिफिक रीजंस यानी कि जो रिव्यू क्वेश्चंस होते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर उनको कवर करने वाले हैं। और बारी है चैप्टर नंबर 13 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रिव्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करने की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13.1, इलेक्ट्रॉन्स लीव अ ड्राई सेल एंड फ्लो थ्रू अ लैंप बैक टू द सेल, विच टर्मिनल द नेगेटिव और पॉजिटिव इज द वन विच इलेक्ट्रॉन्स लीव द सेल, इन विच डायरेक्शन इज द कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन जो बैटरी से निकलते हैं और फिर एक लैंप से पास होते हैं, तो उस लिहाज से क्वेश्चन किया गया है कि वो किस टर्मिनल से निकलते हैं, किस टर्मिनल की तरफ जाते हैं। और फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो कन्वेंशनल करंट है उसके फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है। तो देखो, याद इस तरीके से रखेंगे, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और क्योंकि बैटरी के दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा ट्रेवल करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव उन्हें अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव रिपेल करता है। तो उनके फ्लो की डायरेक्शन जो है वो है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। और वैसे हमें पता है कि जो पॉजिटिव है वो हाई पोटेंशियल पर है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल पर है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और सेकंड क्वेश्चन के मुताबिक कन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो वो तो सिंपल सी बात है, कन्वेंशनल करंट के बारे में बताया है मैंने अपने थ्योरी वाले लेक्चर्स के अंदर भी कि कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और क्योंकि मैंने आपको बताया हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लो पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो जो कन्वेंशनल करंट होता है वो हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। 13.2, बोथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF आर मेजर्ड इन वोल्ट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट्स। बात ये कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो EMF है काफी हद तक ये रिलेटेड है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि इनके यूनिट्स भी सेम होते हैं यानी कि वोल्ट से मेजर किया जाता है, तो एक्चुअली इन कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के पोटेंशियल से फर्क को जाहिर करता है। वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वो मेजर कर सकते हैं कि कितना वर्क डन किया जा रहा है ऑन अ चार्ज, यूनिट चार्ज के ऊपर, टू मूव राउंड द सर्किट, पूरे सर्किट में मूव करने के लिए, या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अगर दो पॉइंट्स की बात हो रही है। तो बात यह है कि कितना वर्क डन किया जा रहा है पर यूनिट चार्ज यानी कि एक चार्ज के ऊपर, और वो मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। जबकि जो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जो बात की जाती है वो की जाती है कितनी एनर्जी दी जा रही है चार्ज को सर्किट में मूव करने के लिए। बस याद रखिए कि EMF भी एक खास किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। EMF एक खास किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि डेफिनेशन से ही बात क्लियर है। लेकिन याद रखिए EMF के अंदर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों को शामिल करते हैं, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको शामिल किया जाता है। पता है ना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होता है IR के, जिसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को शामिल करते हैं, जबकि जो EMF है उसका फॉर्मूला होता है V प्लस I इनटू स्मॉल r, यानी कि स्मॉल r से मल्टीप्लाई कराते हैं करंट को और फिर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करते हैं तो हमें EMF मिल जाता है। तो दोनों के दरमियान में यही मेजर डिफरेंस है। और अगर आपको फिलहाल बात समझ में नहीं आई क्योंकि मैंने सिर्फ इसका आंसर दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट जानना है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का, तो फौरन जाके सेकेंड ईयर के लेक्चर्स में देखो, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड लेक्चर है वहां से इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो जाएगी। 13.3, कैन यू कंस्ट्रक्ट टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, क्या हम बना सकते हैं दो वायर्स ऑफ सेम लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड वन ऑफ आयरन, दैट वुड हैव द सेम रेजिस्टेंस एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या हम आयरन और कॉपर से यानी कि आयरन से और कॉपर से दोनों से सेम रेजिस्टेंस वाला जिसकी लंबाई सेम हो ऐसा हम एक वायर बना सकते हैं। तो ये बात तो आपको मालूम है कि जो कॉपर है उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो आयरन के लिहाज से कम है। और मैं आपको एक बात बताऊं, कॉपर की रेजिस्टिविटी आयरन के लिहाज से 7 गुना कम है, ये बात आप जहन में रखिए। कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है एज कम्पेयर टू द आयरन। तो क्या हम बना सकते हैं दो ऐसे वायर यानी कि आयरन का वायर और कॉपर का वायर जिनकी लंबाई बराबर हो और दोनों की रेजिस्टेंस भी बराबर हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। एक तरीकेकार है, आपको पता है जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का वो है रॉ एल ओवर ए, यानी कि रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया, यानी कि एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस। तो क्योंकि हमें मालूम है कि जो रेजिस्टिविटी है वो आयरन की 7 गुना ज्यादा है कॉपर से,
तो अगर मैं सेम लंबाई और सेम थिकनेस वाला वायर बनाऊंगा तो अपने आप रेजिस्टेंस आयरन की 7 गुना ज्यादा आएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं भाई 7 गुना नहीं आए, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जो आयरन का वायर है उसके एरिया को बढ़ा दें, उसकी थिकनेस को बढ़ा दें। तो अगर मैं आयरन के वायर की थिकनेस को बढ़ा दूंगा तो थिकनेस बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगी, और अगर 7 गुना थिकनेस बढ़ा दूं, यानी कि जितनी थिकनेस मैं कॉपर वायर की इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर उसकी 7 गुना रेजिस्टेंस मैं आयरन की वायर की इस्तेमाल करूं, यानी कि मोटा वायर इस्तेमाल करूं आयरन के लिए 7 गुना एज कम्पेयर टू कॉपर, तो दोनों की रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि लेंथ तो हमने बराबर रखी है, बाकी रेजिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ, तो क्यों ना हम एरिया ज्यादा कर दें तो जो रेजिस्टेंस है आयरन की वो कम हो जाए, और क्योंकि हम 7 गुना बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस 7 गुना कम हो जाएगी और फिर वो बराबर आ जाएगी सेम लेंथ वाले कॉपर वायर के रेजिस्टेंस के बराबर। 13.4, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन है कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो भाई याद रखिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस होती क्यों है। अगर किसी भी कंडक्टर से चार्जेस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो क्या होता है फ्लो करने के दौरान, ये हमें पता है कि चाहे कोई भी कंडक्टर हो, स्पेशली सॉलिड्स की बात कर लेते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अगर हैं, एक हमारे पास एक कंडक्टर है, तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे, वाइब्रेट करते हुए मॉलिक्यूल्स और फिर गुजर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन उनके दरमियान से। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड करते हैं विद द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंडक्टर। तो जब वो टकराते हैं तो इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि इससे रुकावट पैदा होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में। रेजिस्टेंस का मतलब ये ना, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट, और वो रुकावट कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हो किसी कंडक्टर से और वो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के जो कंडक्टर्स हैं उसके वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल से टकराएं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है। तो देखो, एक बात है, जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, यानी कि हम उसे हीट दे रहे हैं, तो जो कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, जो चैप्टर नंबर 11 में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो फिर क्या होगा कि जब हमने हीट दी किसी भी कंडक्टर को, यानी कि हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो नतीजे में जो कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा वॉयलेंटली वाइब्रेट करेंगे, और ज़्यादा वॉयलेंटली यानी कि रैपिडली वाइब्रेट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे थे उनके और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोलिजन ज़्यादा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोलिजन ज़्यादा होगा, रुकावट ज़्यादा होगी, टकराने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो अपने आप कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो याद रखिए, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन से टकराने के चांसेस बढ़ते हैं, और जब वो चांसेस बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट आएगी, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। 13.5, व्हाई इज हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर से, तो वो जो वायर है, वो जो कंडक्टर है, वो गर्म क्यों जाता है, हीट क्यों प्रोड्यूस होती है। तो हमारे पिछले सवाल से रिलेटेड बात है। याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होते हैं कंडक्टर से तो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल से टकराते हैं, टकराते हैं तो अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं, तो जो और स्लो डाउन हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब उन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी है टू द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और वही जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है वही हीट का सबब होती है, कि जो कंडक्टर है उसकी हीट बढ़ जाती है, यानी कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। 13.6, व्हेन अ मेटल ऑब्जेक्ट इज हीटेड बोथ इट्स डायमेंशन एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, इज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी लाइकली टू बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज इन लेंथ। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है और उसकी जो लेंथ है वो भी बढ़ जाती है, वो हमने पढ़ा है लीनियर एक्सपेंशन में। तो क्या ये जो बढ़ना है रेजिस्टिविटी का, ये लेंथ की वजह से, तो उसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है, लेंथ की वजह से नहीं होता है। याद रखिए, यहाँ पर जो सारी की सारी बात है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो बढ़ जाती है उसकी सारी की सारी वजह मैं आपको पिछले सवाल में बता चुका हूँ, कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कंडक्टर से तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा टकराएंगे तो अपने आप रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बात याद रखिए, रेजिस्टिविटी का बढ़ना लेंथ के बढ़ने का कोई कॉन्सिक्वेंस यानी कि उसका नतीजा नहीं है। 13.7, इट इज़ समटाइम्स सेड दैट द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज यूजेज अप इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट डज एक्चुअली यूज इन इट्स ऑपरेशन। हमने अक्सर ये सुना है कि कुछ अप्लायंसेज बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, बिजली कम इस्तेमाल करती हैं, तो एक्चुअली ये बिजली का इस्तेमाल क्या है, क्या हम चार्जेस को इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम लोग चार्जेस को इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होती है,
उस एनर्जी को इस्तेमाल करना बिजली का इस्तेमाल कहलाता है। चार्जेस का इस्तेमाल मतलब चार्जेस इस्तेमाल नहीं होते, ये बात याद रखिए। अगर 10 कूलम चार्ज निकल रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से, तो फौरन 10 के 10 कूलम ही जाएगा रेजिस्टेंस से गुजरने के बाद टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसा नहीं कि दरमियान में चार्जेस का अमाउंट कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के यूज करने का मतलब चार्जेस का यूज नहीं है, बल्कि चार्जेस की सिर्फ जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज कर लेना है, जिसकी वजह से चार्जेस स्लो हो जाते हैं। 13.8, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स रेजिस्टेंस? क्या वायर्स का बेंड होना रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, यानी कि अगर तार है उसको हम मोड़ दें तो क्या उससे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? तो याद रखिए, इस पहले पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ कंडक्टर पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी यानी कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और चौथा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो क्या वायर्स को बेंड करने से इनमें से किसी चीज पे कोई फर्क पड़ता है? क्या वायर को अगर बेंड कर दें तो उसकी लंबाई कम होती है या बढ़ जाती है? नहीं। क्या एरिया पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। क्या टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। क्या मटेरियल चेंज हो जाता है? नहीं। तो इसका मतलब याद रखिए कि क्योंकि हमें पता है वो चारों फैक्टर्स कांस्टेंट रहे वायर्स को बेंड करने की वजह से, तो वायर्स को बेंड करने से रेजिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। 13.9, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 30 ओम, 40 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस इज 0.1 एम्पेयर, व्हाट इज द करंट इन द अदर रेजिस्टेंसेस? तीन रेजिस्टेंस हैं, चाहे उनकी कोई भी वैल्यू हो, अगर उनको हमने सीरीज में जोड़ दिया है और एक 10 ओम वाली से जो है वो 0.1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, तो ये बात याद रखिए सीरीज में करंट सेम रहता है। आप रेजिस्टेंस को 100 रेजिस्टेंस को लगा दें, करंट जो है वो सेम रहेगा इन सीरीज। तो अगर कोई भी वैल्यू चेंज की जा सकती है, लेकिन अगर आपको सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में दी हुई है और किसी भी एक का करंट दिया हुआ, तो याद रखो बाकियों से भी उतना ही करंट पास होगा। उसकी वजह यह है कि सीरीज में करंट सेम पास होता है तमाम के तमाम रेजिस्टर से। 13.10, 10 रेजिस्टेंस और डिफरेंट वैल्यूज आर कनेक्टेड पैरेलल। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन ऑफ देम इज 5 वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस 9 रेजिस्टेंसेस? तो 13.9 की तरह का सवाल है। 13.9 में सीरीज में लगाया हुआ था तो करंट से रिलेटेड सवाल था। यहाँ पे 10 रेजिस्टेंस हैं और 10 की 10 रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ दिया है, तो बताइए वोल्टेज कितना होगा? तो याद रखिए जितना एक के लिए वोल्टेज होगा उतना ही सबके लिए वोल्टेज होगा, चाहे वो कोई भी वोल्टेज दे दें सवाल के अंदर। वजह यह है कि जब भी रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ दिया जाता है तो पैरेलल जोड़ने की वजह से जो वोल्टेज है वो याद रखिए कॉन्स्टेंट रहता है। तो तमाम तमाम रेजिस्टेंस में से किसी भी एक की रेजिस्टेंस अगर बता दें तो बाकियों के लिए भी उतनी ही होगी। 13.11, फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस हाउ विल बी द हीट डेवलप्ड इन अ रेजिस्टर डिपेंड ऑन इट्स रेजिस्टेंस? विल द हीट बी डेवलप्ड एट हायर रेट इन लार्जर और स्मॉलर रेजिस्टेंस? तो यहाँ पर हमें जूल्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन जब हम जूल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए हमें वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है हीट के लिए, V² / R (T), यानी कि जितनी हीट डेवलप हो रही है एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है V² / R (T). और इस फॉर्मूले के मुताबिक क्योंकि वोल्टेज कॉन्स्टेंट है तो रेजिस्टेंस के साथ जो हीट का रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है इन्वर्स। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी हीट उतनी कम डेवलप होगी, और रेजिस्टेंस जितनी कम होगी हीट उतनी ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि अगर वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है तो हीट प्रोड्यूस्ड और जो रेजिस्टेंस है उसका रिलेशन होता है इन्वर्स। 13.12, इज देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट? हाँ, तो कोई भी कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जिस डायरेक्शन के अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे उसी डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। 13.13, हाउ डज द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस पर यूनिट लेंथ, ऑन देयर एवरेज वेलोसिटी एंड ऑन द चार्ज पर कैरियर? कितना चार्ज पर कैरियर है उस पर डिपेंड करती है। तो जैसे कि हम जानते हैं I बराबर होता है Q/T के, यानी कि चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो अगर करंट यानी कि I बराबर है Q/T के, देन एक और फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और वो फार्मूला है कि Q यानी कि चार्ज खुद बराबर होता है Ne के। N हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो क्यू बराबर होता है Ne के, वो यहाँ पे हमने लिख दिया Q = Ne। नाउ सपोज कर लेते हैं कि जो कैपिटल N में लिख रहा हूँ वो नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हो गए N, और कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस हैं पर यूनिट लेंथ। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो कैपिटल N है उसको हम लिख सकते हैं
नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस डिवाइड बाय यूनिट लेंथ, यानी कि एन स्मॉल एन डिवाइड बाय कैपिटल एल बराबर हो जाएगा कैपिटल एन के। और यहीं से अगर मैं स्मॉल एन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो स्मॉल एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एल डिवाइड में लिखा हुआ है वो कैपिटल एन के साथ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू आ गई, वो है कैपिटल एन डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एल। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे करंट के फॉर्मूले में, तो करंट का फॉर्मूला आई बराबर आ जाएगा ये जो लिखा हुआ था स्मॉल एन, इसकी जगह पे आ गया कैपिटल एन इंटू एल, ये आ गया ना कैपिटल एन इंटू एल, बाकी ई अपॉन टी पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई है और वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ और डिवाइड में लिखा हुआ है टाइम, और लेंथ डिवाइड बाय टाइम यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम खुद बराबर होता है वेलोसिटी के। तो यहाँ पर एल ओवर टी था, इस एल ओवर टी की जगह पे हमने लिख दिया यहाँ पे वेलोसिटी, जो कि आपको पता होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिससे फिर मैं अब आंसर बता दूंगा जो हमारा रिव्यू क्वेश्चन था। आई इज इक्वल टू कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस पर यूनिट लेंथ, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई जो है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सो फिर इस फॉर्मूले के मुताबिक पहला जो रिजल्ट मिलता है जो हमसे क्वेश्चन पूछा भी गया था, करंट डायरेक्टली पूछ रहा है टू द नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस पर यूनिट लेंथ, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस होंगे पर यूनिट लेंथ उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। नंबर टू, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इस फॉर्मूले में भी नज़र आ रहा है कि वी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा होगा करंट। जाहिर सी बात है जितना वेलोसिटी ज़्यादा होगी चार्जेस की उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। और तीसरे नंबर पे करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द चार्ज पर कैरियर, यानी कि पर इलेक्ट्रॉन जो है पर कैरियर, जितना ज़्यादा होगा चार्ज उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर। 13.14 का ए पार्ट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3-5 ओम रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, नंबर वन और नंबर टू इन पैरेलल। और बी पार्ट में, इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस सीरीज कनेक्शन, व्हाट इज द करंट इन ईच रेजिस्टर। सो ए पार्ट में, ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट, सीरीज में अगर लगाया हमने और तीनों रेजिस्टेंस हैं और तीनों की जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम के बराबर है, तो सीरीज में सीधा सीधा ऐड करते हैं। जब सीधा सीधा ऐड कर रहे हो तीनों वैल्यूज बराबर हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखने से बेहतर ये है कि हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस लिख देंगे क्योंकि तीनों की सेम है, और मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितनी थी, हर एक की रेजिस्टेंस 5 ओम के बराबर है, तो 3 × 5 = 15 ओम्स हो जाएगा। तो अगर हम लोग 5 ओम की तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल आ जाएगा 15 ओम्स। सेकेंड पार्ट में पैरेलल जोड़ते हैं, तो पैरेलल के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखने से बेहतर ये, क्योंकि बराबर है तो हम लिख सकते हैं R/3। अब जो रेजिस्टेंस है वो हमें 5 ओम के बराबर गिवन थी और 3 थी, तो 5/3 खुद बराबर हो जाएगा 1.6 ओम्स के। ये आ गया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर। और बी पार्ट में हमसे पूछा गया था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कितना होगा, तो वैसे एक बात याद रखिए, करंट जो है वो हर एक रेजिस्टेंस से सेम फ्लो करेगा, और करंट किसके बराबर होता है, V/R के। V/R में हम क्या करेंगे, V/R वोल्टेज कितना है, वोल्टेज गिवन है 60, और रेजिस्टेंस जो हमने निकाली है सीरीज के अंदर वो हमने निकाली है 15 ओम। इस वजह से 60/15 बराबर आ जाएगा 4 एम्पियर के। 13.16, कैन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी बी जीरो, किसी भी बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो जीरो हो सकता है क्या। तो याद रखिए ऐसा किया जा सकता है, अगर हम बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दें तो हम ऐसा कर सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को जीरो कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे ना तो जो रेजिस्टेंस मौजूद भी होगी वो ना होने के बराबर होगी, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगी, तो उस वजह से आप देखेंगे कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो जो है जीरो हो जाएगा। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज जीरो होने की वजह से ये बात याद रखिए, जो करंट होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम।